गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, मैं निशा गोयल MDM चिल्ड्रन एकेडमी में क्लास सेकंड के बच्चों का स्वागत करती हूँ। कल बच्चों हमने यहाँ तक क्लास में पढ़ा था घर मिल जाता है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो राहुल अपने दादा से फिर क्या पूछता है और चूहे कि चूहे के घर को क्या कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं चूहे अपना घर बनाते हैं, वे बिलों में रहते हैं। कि चूहे अपना घर खुद बनाते हैं और वे बिलों के अंदर रहते हैं। तो राहुल फिर क्या पूछता है, चूहे का बिल कैसा होता है दादाजी। कि दादाजी चूहे का बिल कैसा होता है। तो दादाजी कहते हैं उसे चूहा जमीन के अंदर गड्ढा खोदता है, वह गड्ढा कुछ लंबा और पतला होता है, उसका मुंह बहुत छोटा होता है, वही गड्ढा चूहे का बिल होता है। बिल में रहकर चूहा बिल्लियों और सांपों से अपने प्राणों की रक्षा करता है। प्राण का अर्थ होता है जान। दादाजी कहते हैं जो चूहा होता है वह जमीन के अंदर क्या करता है, गड्ढा खोदता है, लेकिन वह गड्ढा कुछ लंबा होता है लेकिन पतला होता है, लेकिन जो गड्ढे का मुंह है वह बहुत ही छोटा होता है और वही क्या होता है, चूहे का बिल होता है। बिल में रहकर ही चूहा बिल्लियों से और सांपों से अपने जान की रक्षा करता है। राहुल फिर पूछता है दादा जी बहुत से पशु जंगल में रहते हैं, क्या जंगल में उनके अपने अपने घर होते हैं। तो राहुल फिर क्या पूछता है, दादाजी बहुत से कुछ ऐसे पशु हैं जो जंगल में रहते हैं, क्या उनके अपने अपने घर होते हैं। तो दादाजी कहते हैं तुमने ठीक कहा, बहुत से पशु जंगल में रहते हैं, वे जंगली पशु कहलाते हैं, उनमें से कुछ के अपने घर होते हैं, जैसे शेर गुफा में रहता है, शेर की गुफा को मान भी कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, बहुत से पशु ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जंगली पशु, वे जंगली पशु के रहते हैं, जैसे घरों में अपने पालते हैं कुत्ता गायें भेड़ बकरी आदि, वे होते हैं पालतू जानवर, और ये जो जंगलों में रहते हैं वे कहते हैं जंगली जानवर। तो ये क्या है, जंगली पशु कहलाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके कुछ के अपने घर होते हैं, जैसे शेर होता है वह गुफा के अंदर रहता है, होता है ना बच्चों, जैसे शेर गुफा के अंदर रहता है तो शेर की गुफा को क्या कहते हैं, मांद कहा जाता है। राहुल फिर क्या पूछता है, गुफा कैसी होती है, कि गुफा कैसी होती है। तो दादाजी कहते हैं गुफा को खोह खोह या गुहा भी कहते हैं, कि गुफा को मांद भी कहते हैं, खोह भी कहते हैं और गुहा भी कहते हैं। राहुल फिर क्या पूछता है, खरगोश भी तो मांद में रहता है दादाजी। तो राहुल अपने दादाजी से फिर क्या पूछता है कि खरगोश तो भी मांद में रहता है। तो दादाजी कहते हैं हाँ खरगोश भी मांद में रहता है, लेकिन वह अपनी मांद बनाता है, वह जमीन के अंदर छोटी सुरंग बनाकर रहता है, इस छोटी सुरंग को खरगोश की मांद कहते हैं, इसमें बड़े जानवर नहीं घुस सकते हैं, इससे उसके प्राणों की रक्षा होती है। तो दादाजी कहते हैं
कि खरगोश भी मांद में रहता है, लेकिन वह अपनी मांद क्या करता है, खुद बनाता है। वह जमीन के अंदर क्या करता है, छोटी सी सुरंग बनाता है, और उस छोटी सी सुरंग को क्या कहता है, खरगोश की मांद कहा जाता है। इसमें क्या है, बड़े जानवर नहीं जा सकते, और इससे क्या है, उसके जान की क्या होती है, रक्षा होती है।